अल्पसंख्यक स्नेह संवाद, स्नेह माने प्यार, संवाद बातचीत। तो अपने अपने अल्पसंख्यक भाइयों के साथ मोदी जी के जो देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं और देश को जिस उन्नति पर मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग लेकर गए हैं, उस विषय पर आज सबके साथ बातचीत थी। और मोदी मित्र, जो लोग राजनीति में आना नहीं चाहते, राजनीति में मिलना नहीं चाहते, राजनीति की बातें नहीं करना चाहते, उन लोगों को मोदी मित्र बनाने के लिए आज यहाँ का ये कार्यक्रम था। मोदी मित्र स्कूल के टीचर हों, सरकारी कार्यकर्ता हों, सरकारी काम करने वाले हों, वकील हों, इंजीनियर हों, ऐसे लोगों को समाज के साथ जोड़कर मोदी मित्र बनाया जा रहा है, ताकि वो आने वाली नस्लें जो हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के अंदर 10वीं 11वीं 12वीं तक बच्चे पढ़कर रह जाते हैं, उन बच्चों को आगे दिशा निर्देश दे सकें कि हम लोग कहाँ और किस पहलू पर जाकर देश की उन्नति के लिए आगे किस पढ़ाई के अंदर हम जाएं, ताकि हमारा भी भविष्य आगे उज्जवल हो सके। कि मुसलमान का या अल्पसंख्यक का उससे कोई लेना देना नहीं है। जो पड़ोस देश के अंदर अल्पसंख्यक समाज है, यानी मुस्लिम देश जो बराबर में है हमारे, चाहे वो ईरान, इराक, आपका पाकिस्तान, ऐसी जगहों पर, अफगानिस्तान, जहाँ से लोग पहले आ गए थे, जहाँ पर हालात सही नहीं थे, और वहाँ का अल्पसंख्यक जो हिंदू सिख भाई हमारा यहाँ आ गया था, और आज 25-25-30 साल हो गए उनको नेशनलिटी नहीं मिली है, वो आज परेशान हैं, उनके बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी परेशान है, उनके पास कोई आधार कार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, उन लोगों को नेशनलिटी देने के लिए CAA बना है, किसी मुसलमान को यहाँ से बेदखल करने के लिए नहीं बना है। और अगर वहाँ के देश के भी मुसलमानों को यहाँ पर बुला लेंगे तो CAA की ज़रूरत नहीं है, फिर तो अखंड भारत उनको सबको मिलने के लिए कह दो कि यहाँ मिल जाए।